हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो है बेसिकली ये फोटोशॉप सीसी पे होने वाली है, जिसमें हम फोटोशॉप सीसी में फोटो अच्छी से अच्छी फोटो एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक अगर फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले जाके फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिए। जो फोटोशॉप इंस्टॉलेशन का वीडियो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप देख के फोटोशॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, अच्छी से अच्छी आप फोटोशॉप में फोटो एडिट कर पाए। तो चलते हैं, अब सबसे पहले हम फोटो को थोड़ा जूम करके फोटो को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है अभी तक कि फोटोशॉप में जूम कैसे करते हैं थोड़ा सा फोटो, तो आप लोग को बता देता हूँ मैं। अल्टर प्लस माउस व्हील जो होता है उसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ ही घुमाएंगे तो फोटोशॉप में हमारा फोटो जो होती है वो जूम होने लगती है। तो जैसे मेरी फोटो जूम हो रही है, उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से एक टूल लेते हैं। कौन सा टूल लेते हैं? जी हाँ, तो ये टूल लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जी, ब्रश टूल है। ओके, इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, जहाँ से हमारे पिंपल दिख रहे हैं थोड़ा बहुत डार्क दिख रहा है उस पर हम इसको चलाएंगे, क्लिक करते रहते हैं तो जो हमारी फोटो का थोड़ा सा डार्क एरिया है वो क्लियर हो जाता है। तो कर लेते हैं इसको। डार्क एरिया क्लियर हो चुका है, जहाँ जहाँ से ज़्यादा डार्क था और पिंपल आ रहे थे फेस पे, थोड़ा क्लियर हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको, इसके जो हेयर्स हैं, पहले हेयर्स बना लेते हैं, इसको जो बाल हैं इनके, तो इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए आपको करना होगा, कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, तो आपका एक नया विंडो खुलता है जी। तो इसमें आपको यहाँ से अपनी साइज सेलेक्ट करनी है, जो भी साइज आप रखना चाहते हैं इसकी कर्सर की, तो ये साइज रखता हूँ। बाई डिफॉल्ट कुछ कर नहीं करना है, साथ में इसको भी हम जल्दी से जल्दी अपने हेयर से सही कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो हेयर थोड़ा इसके बन चुके हैं, थोड़ा सा सही हो चुका है। और अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कलर दे देते हैं, क्योंकि कलर ज़रूरी होता है थोड़ा सा कि स्मूथनेस आ जाए। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, थोड़ा सा कलर दे देते हैं इसमें, ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए चेहरा और थोड़ा सा हमें एडिट करने में आसानी हो जाए। जो हम ब्रश का इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो स्किन स्मूथिंग ब्रश है, तो आप इसी टूल का इस्तेमाल करने हैं। तो बेसिकली सारे फोटोशॉप में मिल जाता है, जिसमें नहीं है तो अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये ब्रश। तो इससे हम थोड़ा स्किन स्मूथ करने का काम करता है, तो स्किन थोड़ा सा स्मूथ करते हैं इससे।
तो थोड़ा सा स्किन स्मूथ हो चुका है, तो फिर से हम थोड़ा सा इसमें अपनी क्वालिटी जो होता है बेसिक डिटेल में जाके थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी बढ़ा लेते हैं, टेक्सचर अमाउंट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं इसके इफेक्ट में जाके, थोड़ा सा हल्का सा डाउन करते हैं इसको, 30% -30 कर देते हैं। और ये डिटेल जो है थोड़ा सा बढ़ा, तो इसको 100% रखें, थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है हमारा थोड़ा थोड़ा। और इसको हम रखेंगे -20, इसको -30 रखने वाले हैं, थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ से लगाते हैं। और इसको करते हैं पूरा +20, इसको 20 करते हैं। और यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको +10, इसको 10 करते हैं। और फिर से हम कलर में जाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ब्लू वाला बढ़ाते हैं। और सेचुरेशन में जाके ब्लू थोड़ा सा 30 रखते हैं, इसको 30 कर देते हैं, पूरा 30 हो जाएगा, इसको भी 30 करते हैं। और थोड़ा सा चेहरे पे लाइट लाने के लिए जो है वो रेड को थोड़ा माइनस करते हैं, 10 माइनस करते हैं और इसको 10 प्लस कर देते हैं हल्का सा। आप अपनी फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ब्राइटनिंग आ रही है तो मैं इसको 60% कर देता हूँ। और ऑरेंज को मैं थोड़ा सा 30% कर देता हूँ। और येलो वाला जो है मैं उसको 20% कर देता हूँ सिर्फ। तो देखिए मेरी काफ़ी अच्छी फोटो एडिटिंग हो चुकी है, तो बेसिकली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने नेक्स्ट वीडियो जो ट्यूटोरियल बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ना किए आप लोग जाइएगा ना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।